अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलगुले। चलें आए स्टार्ट करते हैं। मैंने मैदा लिया है, 1.5 कटोरी मैंने मैदा लिया है और 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। ये मेरे पास पिसी हुई थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है आप वही डाल लें। और थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है और 1 कप मैंने वाटर लिया है। चलें आए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। और ये सॉफ्ट, और ये थोड़ा सा मैंने सोडा लिया है खाने का, ये डाला है। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, मैं फिर पानी डालती हूँ। ये देखिए, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें और पानी डलेगा। ये देखिए, अब ये ऐसा हो गया है, गाढ़ा है बहुत। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसको ना हमें ज़्यादा थिक करना है ना ज़्यादा पतला करना है, बस नॉर्मल। ये देखिए मैंने कर लिया है इसको, ये इतना थिक है, बस हमें इतना ही चाहिए। और हम इसको फ्राई करते हैं, गुलगुले बनाना स्टार्ट करते हैं अपने। ये हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं, ऑयल गर्म करने रख दिया था। ये देखिए ये हो गए फ्राई, ये हमने उतार लिए हैं। हम दोबारा डाल रहे हैं, देखें आप डालने का तरीका देखें, कितने अच्छे तरीके से फूल जाएंगे अभी। ये सब फूल रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल रहे हैं। ये देखिए हमने एक बार चलाए हैं, अब ये ऊपर आ जाए तो फिर आप जब भी चम्मच मारिएगा, ये जब लाइट ब्राउन हो जाए तो बस आप उसको उतार लीजिएगा। ज़रा डार्क कलर मत दीजिएगा वरना जलने की स्मेल आती है इसमें। ये देखें कितनी जल्दी ब्राउन हो गए और कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये हमने उतार लिए हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे गुलगुले तैयार हो गए हैं और ये कितने यम्मी लग रहे हैं और कितने फूले फूले बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लगाया हुआ है।